कागज होने जा रहा है और सब भी है मेरे फैमिली के लिए, और मैं ऐसा बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। इसमें हिस्सा लेना भी इबादत, नाच पढ़ना भी इबादत, नाच सुनना भी इबादत, और से सुबह अल्लाह कहना भी इबादत। अल्लाह हमारे इस महफिल को, हमारे बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमाए। आप सबके हमारी मानो सलाम है, शुक्रिया। गया कि आकाए नामदार महबूब किबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के मुतअल्लिक़, आपकी मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, आपके खुसूसियात पर इजमाई रोशनी डालने का हुक्म दिया गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि ख़त्मुर रुसुल ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर मुश्तमिल चंद गुज़ारिशात पेश करने की सआदत मुझे हासिल हो रही है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा यूँ कहिए, या साहिब अल जमाल व या सय्यिद अल बशर मिन वजहिक अल मुनीर लक़द दुब्बर अल क़मर لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ای قصه مختصر۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اہم تعطیل کے تقریری مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہائی اسکولی طلبہ کے درمیان مقابلہ ہوگا، کل 14 پارٹیسپنٹس ہیں۔ جیسے کہ غفور بھائی نے کہا کہ ٹوکن نمبر پکارا جائے گا، اور جو ٹوکن نمبر یہاں پکارا جائے۔ السلام علیکم، ٹوڈے بائی دا گرانٹ آف اللہ المائٹی آئی ہیو گاٹ اپارچونیٹی ٹو ڈیلیور اسپیچ آن دا ٹاپک آف سیرت النبی۔ ایز یو آل نو دا ٹوٹل نمبر آف messengers sent to the world is about 140,000 as mentioned in the Holy Quran. The first prophet was Hazrat Adam alayhi salam, and the last one is our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last prophet of Allah. He was born at Mecca in 570 century. Abdullah and Amina were his parents. His father Abdullah had died before he was born. He was brought up by his mother Amina. गरबाए नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, गरबाए नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे मगर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी शान मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। जनाबे सर, ये तो वो मौजू है जिसको बयान करने के लिए सारे दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, और जमीन से आसमान तक की खुला को राख बना दिया जाए। तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समुद्रों का पानी कुछ हो जाएगा, और जमीन से आसमान तक की खुला पुर हो जाएगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख सिरत पाक मुकम्मल ना हो पाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी नाम इलाही है। अहले ईमान को जिस तरह अल्लाह ताला से मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के महबूब से भी बेइंतहा मोहब्बत है। खत्मुर रसूल की सीरत एक खुली किताब के मानिंद है। खत्मुर रसूल की सीरत एक खुली किताब के मानिंद है। आपकी तालीमात का मरकज इंसान के दिल है। आपकी तालीमात सहाबा कराम की रोशनी से मुनव्वर है, और बड़े से बड़ा तूफान आपका कुछ ना बिगाड़ सका। और आप मुबल्लिग भी थे, और दाई भी, नसीर भी थे, और फातह भी, और दुनिया को संवारने वाले भी, और आखिरत को बनाने वाले भी। आप मोहम्मद भी, आप अहमद भी, और पैगंबर इखलाक भी। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शायरी करने का मौका मिला है, उसका उनवान है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सरदार, यकीन मानिए, जब मुझे मौजू मिला तो दिल कहर उठा, दिमाग सोचों का मरकजा बन गया, और जिस्म का हवा हवा ताजे लहू की तरह जम गया। जनाबे सर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है जिनके एहसानात को गिनने लगो तो शुमार ही न कर पाऊं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस जनाबे सदर आज से 1400 साल पहले जब पिता आलम के पूले अर्ज में बुराई में अपने पंजे काट रखे थे, जुल्म करते वक्त उम्र का कोई कियास नहीं किया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन किया जाता था, हर जालिम बदमाश अपने मर्जी के फैसले करता फिरता था, तब रहमत खुदा होते जोश में आए तो फिर जब आए जमीन मोहम्मद पर, जमीन मोहम्मद पर हमारे, जब आए मोहम्मद जमीन पर हमारे, पलक ने जमीन पर बिचारे सितारे, उठी सर जमीन हरफ से इनारे, मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। दरूद उन पर सलाम पर यही कहना खुदा का है, दरूद उन पर सलाम पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले आला का है। जनाबे सदर, इस कायनात के सरवर कायनात की मिसाल आप दरशा की है, जो के गार या से तुलू हुआ और पूरे कायनात पर छा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कायनात की वो अजीम तरीन शख्सियत है जिसकी नजीर अजल से अब तक मुमकिन नहीं। जिस तरफ सूरज शुरू होता है तो कायनात का हर जर्रा जर्रा और हर शय मुनव्वर हो जाती है। इसी तरह आपके ज़हूर ने कुफ्र और ज़लालत की तारीखी को नूर सआदत में तब्दील कर दिया गया। आप हर इंसान के लिए पैगाम निजात बनकर आए थे, बनी इंसान के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी तो वो नबी थे कि तमाम अंबिया ने इनकी उम्मती होने की ख्वाहिश की थी, और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें सआदत बिन मांगे मिल गई। रखा मेरे नबी ने दुनिया में